मेक श्योर कि जब आप उठें तो अपनी खिड़कियों के पर्दे और अपनी खिड़कियां और अपने दरवाजे खोल दें, जिसके जिसकी वजह से आपके बच्चों के पास कंप्लीट नेचुरल लाइट आए और वो जल्दी उठें। प्लीज आप ट्राई कीजिए कि अपने बच्चे को सोते हुए फोन ना दिखाएं। स्मार्टफोन के अंदर से जो ब्लू लाइट निकलती है वो बच्चों का जो स्लीपिंग हार्मोन है, बड़ों का भी सेरोटोनिन, उसको डिस्टर्ब करती है। और आपका बच्चा अगर आप उसको सुला भी दोगे तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा उसको नींद नहीं आएगी। तो ट्राई कीजिए फोन को फेंक के दूसरी साइड और अपने बच्चों को कोई स्टोरी की बुक या कोई मोटिवेशनल कहानी प्यार से सुनाइए। तो फिर क्या हुआ मिक्कू? उसने अपने पापा से पूछा, अब क्या होगा? जब भी आप दिन में अपने बच्चे के साथ थोड़ी बहुत देर टीवी देखें तो ध्यान रखें वो कौन सा कार्टून देख रहे हैं और जो उनका फेवरेट कार्टून नेम है उससे उनको सुबह उठाते वक्त पुकारे। जैसे मेरे बच्चों का है हाइडी और जिदैन, तो मैं सुबह जब इनको उठाता हूँ तो बुलाता हूँ, हेलो हाइडी, हेलो जिदैन। उससे बच्चे को लगता है कि यार उनका कोई दोस्त ही है जो उनको उठा रहा है, अब इसके साथ फन होगा। उनको ये नहीं लगेगा कि उनके पेरेंट्स उनको उठा रहे हैं, अब डांटेंगे या अब ये कहेंगे ये करो वो करो ये करो वो करो। उससे बच्चे को अच्छा फील होता है और उनका दिन भी अच्छा रहता है। तो ये थी आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बोनस ट्रिप, इसको जरूर आजमाइएगा। बच्चे को कभी भी डांट के या मार पीट करके धमका के मत उठाइएगा, उससे बच्चे एक तो ढीठ बनेंगे, दूसरा एक दिन उठेंगे दो दिन उठेंगे, मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे उठने के लिए। कोशिश कीजिए आप उनके दोस्त बने और उनको लाड से प्यार से चाहे मुर्गा बन के उठाइए, उल्लू कू करके उठाइए, चाहे कैसे भी उठाइए, लेकिन प्यार से उठाइए। दिन में उस चीज़ को उनको समझाइएगा कि आप जल्दी उठेंगे तो आप स्कूल के लिए लेट नहीं होंगे, आपके लिए टाइम होगा एक्सरसाइज करने के लिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। दिन भर में जब भी आप अपने बच्चे के साथ खेलें कूदें बात करें, कोशिश करें कि उनको उनकी कोई फेवरेट एक्सरसाइज बार बार कराएं, जिससे कि जब आप उनको सुबह उठाने जाएं तो उस एक्सरसाइज के बारे में याद करा कि बेटा जो आपकी फेवरेट एक्सरसाइज है जिससे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, बार बार वो कराओ ताकि उनको सुबह उठने के लिए मोटिवेशन रहे। मेक श्योर जब भी आप उठें अपने बच्चे को एक छोटा सा टास्क दें, जैसे अपना बेड वो खुद बनाए, जैसे मेरी बेटी बना रही है, और अपने पिलो वगैरह सब अपनी जगह पे रखें। इससे बच्चे की विल पावर इंक्रीज होती है और अनकॉन्शियसली उसके माइंड में एक सेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। तो जो आप हर रोज एफर्ट कर रहे हो उसको उठाने में, आपका वो एफर्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा और बच्चे अपनी विल पावर और सेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए खुद से ही जल्दी उठने लग जाएगा। आपका काम हो गया आधा। और ट्राई कीजिए आप अपने बच्चे के दोस्त बने, ना कि पेरेंट बनने की कोशिश करें, उनको डांटे ना, उनके साथ काम करें, उनके साथ एफर्ट करें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप पेरेंटिंग पे या बच्चों की एक्सरसाइज रिगार्डिंग और टिप्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।